तो हेलो अपना चैनल बॉलीवुड कॉर्नर। तो हेलो कंगवा, यस बाल भी बाल को सजाने वाला नहीं, कंगवा फिल्म का टाइटल है। पैन इंडिया फिल्म है, मल्टीपल इंडिया लैंग्वेज में आ चुके हैं, तमिल तेलुगु मलयालम एक चीज जगह पर आ चुकी है फिल्म कंगवा। रात को 12 बजे कौन ग्लिम्स छोड़ता है, और छोड़ता तो छोड़ता है 2 मिनट 22 सेकेंड के आसपास का ग्लिम्स, पर वर्थ इट था भाई, मजा आ गया देख कर। सूर्या की ये फिल्म है, इसके अंदर दिशा पटानी भी है और अच्छे खासे रोल में दिशा, तो मजा आएगा देखने में दिशा को। और ये फिल्म ना मतलब बहुत पुरानी जोन की है, मजा आ रहा है देखकर, हॉलीवुड की वाइब आई मुझे। इसके कलर ग्रेडिंग, इसके अंदर का VFX, इसके अंदर का कैमरा एंगल, सब कुछ टॉप का था। ऐसा लगा ही नहीं कि इन्होंने ऐसा कुछ छोटी मोटी फिल्म बनाई है, ऐसा लग रहा था कि कुछ बवाल बना रही है। देखने में काफी बड़ा और रॉय लग रहा था ना कि चुमेश्वरी मैन। कलर ग्रेडिंग में दिल ले लिया, VFX फिल्म का काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है इस फिल्म का। देखो इस फिल्म का कोई मार्केट में बज नहीं था ग्रीम से पहले, लोग तो इसकी चर्चा नहीं कर रहे थे कि इसका कितना बजट है, कितना क्या है, हाईली VFX फिल्म, ऑल द स्टफ। फिल्म आई और अपने काम से बता गई, और ये बात होती है ना कि बाकी एक्टर्स की तरह समझ जाओ ये बजट का धोर देगा। मुझे ग्लिम्स काफ़ी बड़ी लगी, पहली बात तो अच्छी लगी। इसके अंदर की सूर्या की एंट्री ले लो, वो भाला फेंकने वाला एंगल ले लो, या फिर वो मास्क पहन कर भागने वाला सीन ले लो, बहुत खूबसूरत थी। और लास्ट में जब सूर्या का जो लुक आता है वो ले लो, फिल्म की कलर ग्रेडिंग ले लो, बहुत खूबसूरत थी। इसके जो डायरेक्टर है शिवा साया, तो इन्होंने इससे पहले इतनी बड़ी फिल्म नहीं बनाई थी, फिल्में बनाई है साउथ में बहुत सारी, तो इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन अब आ रही है इतनी बड़ी फिल्म इनकी, तो मैं एक्साइटेड हूँ। लग रहा है कि बंदे ने कुछ किया है अपने डायरेक्शन से। तो सूर्या, ओ मैन, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने जब इसका फर्स्ट पोस्टर्स देखने रहा तभी मुझे फील हो रहा था कि कुछ अच्छा आएगा, एंड दिस इज द गुड। देखते इसका बजट कितना होता है, फिर मजा आएगा पेलने में बाकी को। पर ये फिल्म बहुत फाड़, रियल मेगा फिल्म ऐसे बोलते हैं, रियल मेगा फिल्म, अपने काम से बता रही है फिल्म। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं बोलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय और जय हिंद।